तो यार अभी मैं आ चुका हूँ समिट रोहतास समिट। तो यार हम लोग हेज़लनट फैक्ट्री में आ चुके हैं एंड फाइनली, तो आप लोग इधर आके देख सकते हो, ये मैंने एक पिंच सॉस पास्ता ऑर्डर किया जो मेरा फेवरेट पास्ता है। व्हेन आई टेल समथिंग अबाउट फूड इट्स नेवर रॉन्ग, इट कैन नेवर बी रॉन्ग, माय टेस्ट इज ऑलवेज गुड। तो यार अभी टर्टल फूड ले लिया। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स अ न्यू डे एंड अ न्यू व्लॉग। तो यार आज व्लॉग बहुत देर में शुरू हो रहा है, इट्स अराउंड 5 o'clock, हाँ ठीक 5:05 हो रहा है। एंड बहुत देर बाद व्लॉग शुरू कर रहा हूँ, सुबह में किया नहीं था क्योंकि मैं सुबह उठा देर से था और उसके बाद काम वाम था, क्लास चल रही थी। तो यार अभी बहुत रश में है क्योंकि व्लॉग बनाते हुए देर हो गई है। तो सबसे पहले हम लोग घर से निकलते हैं, हम लोग कहीं जाना है, आप लोग को लखनऊ घुमाते हैं। तो यार चलो सबसे पहले चलते हैं कार से और उसके बाद आप लोग से वहाँ मिलते हैं। तो यार अभी मैं आ चुका हूँ समिट रोहतास समिट। तो जो लोग जानते हैं वो तो जानते हैं, समिट एक ऐसी जगह है जो लखनऊ में सबसे ज़्यादा फेमस है। एक हिंट देता हूँ, एक फैक्ट्री जा रहा हूँ जो यहाँ पे है, वो आप लोग गेस करो कि कौन सी फैक्ट्री है, तो उसको आप लोग कमेंट डाउन करना। तो मैं उधर जा रहा हूँ, उधर जाके आप लोग को दिखाता हूँ, बहुत अच्छे से बनी हुई है तो आप लोग को दिखाता हूँ हेज़लनट फैक्ट्री। तो यार हम लोग हेज़लनट फैक्ट्री में आ चुके हैं एंड फाइनली आप लोगों को खाने की अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। तो आप लोग इधर आके देख सकते हो, ये मैंने एक पिंच सॉस पास्ता ऑर्डर किया जो मेरा फेवरेट पास्ता है। तो जब भी आप लोग यहाँ आना, पिंच सॉस पास्ता को ज़रूर ट्राई करना, इट्स समथिंग लाइक दिस, इट्स रियली टेस्टी एंड ये मेरा फेवरेट पास्ता है, मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से बोल रहा हूँ। एंड व्हेन आई टेल समथिंग अबाउट फूड इट्स नेवर रॉन्ग, इट कैन नेवर बी रॉन्ग, माई टेस्ट इज़ ऑलवेज गुड। तो यार ये अपना हेज़लनट का पिज़्ज़ा जो भी, ये भी फेवरेट है, बट यस नो वन कैन बीट डोमिनोज, नथिंग कैन बीट डोमिनोज। बाकी यार मैंने अपने लिए एक आइस टी कह सकते हो, क्रैनबेरी आइस टी मंगाई और एक शेक मंगाया। तो यार चलो शुरू करते हैं, खाते हैं। तो यार यहाँ पे आ चुके अपने डेजर्ट्स और ये है अपना सिनेमन डोनट और ये अपना चॉकलेट कपकेक। तो यार ये मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है और कपकेक्स की तो अपनी एक अलग बात है, रेड वेलवेट कपकेक्स मेरे को पसंद है लेकिन चॉकलेट खा रहा हूँ। तो यार फाइनली अब घर वापस जा रहे हैं और अभी एक गाड़ी चला रहा हूँ, तो यहाँ से निकल चुका हूँ, घर यहाँ से कम 20 मिनट दूर है। तो यार आप लोगों को घर जाके जल्दी से ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि ड्राइविंग करते वक्त ब्लॉग नहीं करनी चाहिए, कार लड़ सकती है। तो यार घर आ चुके थे, घर आने के बाद एक चीज़ नोटिस करी कि फ्लिपी का खाना खत्म हो चुका है और आज उसका लास्ट मतलब राउंड था, तो ये देख सकते हो पूरा डिब्बा खाली है। तो यार इसका खाना लेने जाना है टर्टल फूड, तो ये मिलेगा अपने को सागर एक्वेरियम में, तो वहाँ से हम लोग इसका खाना लेंगे। और लगे हाथ मेरे को इसके लिए एक टर्टल टैंक भी लेना था कि मैंने सोच के रखा था कि यार एक टर्टल टैंक ले लिया जाएगा, तो चलते हैं देखते हैं वहाँ पर मे बी टर्टल टैंक भी मिल जाए। और पहले देखेंगे सरेवाच, हम लोग देखेंगे कि टर्टल टैंक उनके पास अवेलेबल है नहीं है, कौन सा है, क्या प्राइस है, क्या साइज़ है, क्योंकि मेरे को जैसे देख सकते हो फिश एक्वेरियम पड़ा है, तो इसके यहाँ तो बगल में या तो ये टीवी वाले यूनिट पे कहीं दोनों को सेटल कर दूंगा जब वो आ जाएगा, तो मैंने सोच के रखा है कि दोनों को एक ही साइड से लगा दूंगा। तो एनीवेज अभी तो हम लोग चलते हैं और हो के आते हैं, सबसे पहले आप लोग को वहाँ पर चल के मैं दिखाता हूँ कि क्या सीन बन रहा है अपना, कि टर्टल टैंक लेनी है कि नहीं लेनी है। लेनी तो ज़रूर है बट ये नहीं पता कि आज ही लेंगे या कब लेंगे, तो इसलिए मैं कोई कमिटमेंट करके नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा था जब हम लोग फिश एक्वेरियम भी लेने गए थे लॉकडाउन में बहुत पहले, तो पहले देख के आए थे और कुछ समझ नहीं आया था तो हम लोग ने लिया नहीं था, और मैंने सोच के रखा था उस दिन कि यार ब्लॉग बनाएंगे कि हमें आज अपना फिश एक्वेरियम लेना है, तो वो भी ख़राब हो गया था दिन। तो आज सिर्फ यही करते हैं, अभी चलते हैं, पहले देखते हैं अगर चीज़ समझ आएगी तो ले ली जाएगी, नहीं समझ आई तो थोड़ा वेट किया जाएगा। तो यार अभी टर्टल फूड ले लिया मेरा और टर्टल टैंक का मैंने प्राइस पूछ लिया है, तो जो टर्टल टैंक आती है यार वो तो 850 की वो कैरी वाली होती है कि आप उसको लेके ट्रैवल कर सकते हो, बट मेरे को ट्रैवल वाली नहीं चाहिए,
मेरे को प्रॉपर टैंक चाहिए थी, बट अब वो तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो बता रहे हैं 6500, बट उतना अपना वो नहीं है, क्योंकि मैंने सेम टैंक पूछी थी अमीनाबाद में, वो मेरे को मिली थी, मतलब वो बताया था 1200-1500 में बन जाएगी, ज़्यादा महंगी नहीं बनेगी, तो ये तो अलग ही एक्सपेंसिव बता रहे हैं, सेम साइज़ और सेम मतलब सारी चीज़ें सेम, तो ये थोड़ा ज़्यादा मतलब ये जगह मैंने आपको पहले ही बताई थी, ज़्यादा थोड़ा वो हो जाती है। तो एनीवेज मैं कल या परसों में जब भी फ्री हूँ, कल तो मैं फ्री नहीं हूँ, कल आप लोग के लिए मेरे को कुछ ब्लॉग करना है, तो मैं कल तो नहीं परसों या नरसों जाऊँगा अमीनाबाद और उस चीज़ की चेक करूँगा जाके कि वहाँ पे क्या बनेगा, और उसका ऑर्डर देना पड़ेगा बनवाने के लिए। तो यार ये ले लिया है, अब घर चलते हैं। तो यार आज फिलिपिन अपने पुराने वाले डिब्बे का खाना खाया ही नहीं, पड़ा हुआ था सुबह से और उसी में बैठा था, तो इसने आज खाना नहीं खाया है, तो अब इसका पानी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि गर्म पानी डालना पड़ेगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठंडा पानी डाल दूंगा तो वो जम भी सकता है, जम नहीं सकता, बट हाँ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं तो ठंडी में गर्म पानी इसको डाल के देना पड़ता है। तो यार अभी उसको मैंने अलग सेपरेट कर दिया है, इसका टब खाली है, पीछे देख सकते हो टब खाली कर दिया, ये इधर है, तो जल्दी से इसका पानी भरते हैं और इसको इसका नए डिब्बे का खाना देते हैं। तो यार फ्लिपी का सारा खाना आना डाल के उसको खिला के अब सुला दिया है, और यहाँ अपनी जोरी बैठी हुई है। तो यार अब सीन ये है कि मैं आपसे अलविदा लेने वाला हूँ। मैं देख रही हूँ व्लॉग करा, तो ये उठ के चली गई अंदर, ये बहुत बदतमीज़ है व्लॉग में, बहुत जब सो रही होती है नहीं आती है बिल्कुल, दिखाना नहीं चाहती है। अब मैं यहाँ आया हूँ उसके पीछे पीछे, तो ये देख रही है डाइनिंग टेबल से, उसको मैं कुछ स्वीट्स या कुछ दे दूँ। तो यार एनीवेज वो अंदर जा चुकी है, तो मेरे को आप लोग से क्या कहना था, विच इज़ कि कल मैं ये व्लॉग डालूंगा, तो कल 31st of December है, और फिर परसों मैं अपना व्लॉग डालूंगा कल का, विच इज़ 1st of January, तो अब मेरा व्लॉग डायरेक्ट अगले साल आएगा इस व्लॉग के बाद। तो इसीलिए आप सबको अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंड आई होप आप सबकी न्यू ईयर ईव बहुत अच्छी जाए, सब घर ही पे मना रहे होंगे, क्योंकि नाइट लॉकडाउन ऑलमोस्ट हर जगह लगा हुआ है, कहीं कहीं नहीं लगा है। तो यार मैं आप सबसे आप सबको विश करता हूँ अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर ईव, एंड अपना बहुत सारी चीज़ें, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग अप इन द व्लॉग्स, एंड आई विल ट्राई टू मेक एवरी व्लॉग इंटरेस्टिंग फ्रॉम नाउ ऑन। तो यार मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को और लाइक कर दो इस वीडियो को और बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास आए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।